अरे भाई मैंने दी थी और अब नहीं देता कर ले क्या करेगा। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है क्योंकि तू जो भी पूछा उसका उत्तर। हाय गजब। बाबा जी तो गुस्सा गए, मतलब अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन ई मीडिया वालों को एकदम चुल्ल मची रहती है। पत्रकार महोदय 40 रुपया लीटर वाले पेट्रोल पे सवाल पूछ बैठे तो बाबा रामदेव जी गुस्सा गए, बोल बैठे कि पूछ फाड़ेगा मेरी। मैंने कहा था पूछ फाड़ेगा मेरी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मैंने कहा था पूछ फाड़ेगा मेरी। लेकिन पत्रकार महोदय काम बड़ा नेक किए हैं, मतलब बाबा जी खुद ही बताते हैं कि योग से मन शांत और चित्त प्रसन्न रहता है, लेकिन ये वीडियो देख के तो ऐसा नहीं लग रहा। वैसे सवाल भी गलत नहीं था, खुद ही बोले थे अब इधर पेट्रोल 100 रुपए लीटर पार कर गया तो लोग बाबा जी को ढूंढने लगे, सोचे शायद कहीं 40 वाले का इंतजाम कराए हो, लेकिन बाबा जी तो फैल गए कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का। तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर ये कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कहा, कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनाई बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? अरे भाई मैंने दी थी और अब नहीं देता कर ले क्या करेगा। लगे हाथ धमकी भी दे दिए। योग तो समझ में आता है लेकिन ये काम बाबा नहीं कब से पकड़ लिए हैं। अच्छा आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अब देखिए बाबा जी का गुस्सा। मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को, ना आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है क्योंकि तू जो भी पूछा उसका उत्तर दो। बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता कर ले क्या करेगा। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बोल दिया ना, स्वामी जी बाबा जी आप।